आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के दो पल बिताने के लिए अक्सर लोग मॉल या फिर रेस्टोरेंट्स की तरफ दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाले ब्रजेश राय भी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए काम के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ एक मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इस बात से अनजान कि इन 6 दोस्तों में से एक दोस्त के लिए ये शाम जिंदगी की आखिरी शाम है। सभी दोस्त जमकर पार्टी करते हैं, यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी यहाँ एक छोटी सी घटना घटती है, मगर इस छोटी सी घटना का अंजाम इतना भयानक होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये पूरी कहानी ब्रजेश राय नाम के एक व्यक्ति की है। ब्रजेश राय बिहार के सिवान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम श्रीकांत राय था। ब्रजेश के एक बड़े भाई इंडियन एयरफोर्स में है, जबकि ब्रजेश नोएडा में ही GLN फिनिक्स एनर्जी नाम की कंपनी में बतौर परचेज मैनेजर काम किया करते थे। वहीं ब्रजेश की पत्नी DPS स्कूल नोएडा में टीचर हैं। ब्रजेश और पूजा बस 4 महीने पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुए थे। ब्रजेश और पूजा के 2 बच्चे भी थे। बेटे का नाम सार्थक था जो 5 साल का है, जबकि 3 साल की एक बेटी है जिसका नाम भूविका है। 2022 के अप्रैल महीने में ब्रजेश राय किसी काम से अपने गाँव सिवान आते हैं। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद वो 25 अप्रैल 2022 को ही वापस नोएडा चले जाते हैं। थोड़ी देर घर पर रुकते हैं और फिर उसी दिन ऑफिस चले जाते हैं। काम के दौरान ही ब्रजेश के दोस्त मिलकर पार्टी करने का प्लान करते हैं। इसी के बाद ब्रजेश अपनी पत्नी पूजा को फोन करते हुए कहते हैं कि आज मुझे घर आने में काफी देर हो जाएगी। इस पर पूजा कहती है कि मुझे एक चार्जर भी चाहिए, वो तुम मुझे लाकर दे दो फिर चले जाना। इस कारण ब्रजेश ऑफिस से सीधे पार्टी में ना जाकर चार्जर लेकर घर आते हैं और पत्नी को चार्जर देकर तुरंत ही घर से निकल जाते हैं। ब्रजेश पार्टी के लिए तो निकल जाते हैं, मगर तय समय तक वापस नहीं लौटते हैं। ब्रजेश की पत्नी पूजा लगातार अपने पति का इंतजार करती रहती है कि ब्रजेश अब लौटाएंगे तो तब लौटाएंगे, मगर ब्रजेश काफी देर तक वापस नहीं आते हैं। इंतजार करते करते ब्रजेश के मोबाइल पर लगातार पूजा फोन भी करती रहती हैं, मगर फोन का जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद पूजा ब्रजेश के दोस्तों को फोन करती हैं, मगर कोई भी दोस्त फोन नहीं उठाता है। हालांकि जब पूजा लगातार काफी देर तक फोन करती रहती हैं, तो एक दोस्त फोन उठाता है और पूजा से कहता है कि ब्रजेश की हालत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी से नोएडा के सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में आ जाएं। पति के हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर पूजा बुरी तरीके से घबरा जाती हैं तथा वो भागते हुए प्रयाग हॉस्पिटल पहुंचती हैं। यहां जो नजारा उन्हें देखने को मिलता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्रजेश इस हॉस्पिटल में तो जरूर थे, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। सभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ब्रजेश की मौत हो गई, जबकि ब्रजेश को पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। नोएडा में ब्रजेश की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, शरीर पर भारी घाव के भी निशान नहीं थे। ऐसे में समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ब्रजेश की मौत कैसे हो गई। अब इस मामले में पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू करती है। जब दोस्तों से पूछताछ करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। खुलासे के मुताबिक ब्रजेश राय रोज की तरह 25 अप्रैल 2022 को भी काम पर आते हैं। काम के दौरान ही दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनता है और इसी के बाद काम खत्म करके ब्रजेश पहले तो अपने घर जाते हैं और फिर वहां थोड़ी देर रुकने के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास नोएडा के मशहूर गार्डन गैलरिया मॉल के लिए निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक ब्रजेश के 5 और दोस्त गार्डन गैलरिया मॉल पहले ही पहुंच चुके थे। यहां आने के बाद सभी दोस्त मॉल के अंदर ही स्थित लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट्स एंड बार में चले जाते हैं। यहां पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। इन लोगों की पार्टी काफी देर तक चलती है। पार्टी खत्म होने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक वेटर इन लोगों का बिल लेकर आता है। बिल 7,400 रुपए का था। जब ये लोग बिल देखते हैं तो वेटर से कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दिया गया है। ब्रजेश और उनके दोस्तों का कहना था कि जितनी बियर उन लोगों ने मंगवाई थी उससे कहीं ज्यादा के पैसे इसमें जोड़े गए हैं, इसलिए ये लोग बिल के पूरे पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जाकर दूसरा बिल लेकर आओ। यहीं से अब बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। वेटर बिल लेकर मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को सारी बातें बताता है। मैनेजर भी वेटर की बातों को ही सच मानते हुए एक भी पैसा बिल से कम करने से मना कर देता है। इस बात को लेकर मैनेजर और ब्रजेश के दोस्तों में कहासुनी भी हो जाती है। एक दावा यह भी किया जाता है कि ब्रजेश के दोस्तों तथा मैनेजर के बीच ये बहस एक्स्ट्रा बियर के पैसे जोड़ने को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि रेस्टोरेंट्स द्वारा बियर के अलावा बोतल के पैसे सर्विस चार्ज के नाम पर अलग से मांगे जा रहे थे। ब्रजेश और उसके दोस्तों ने इसी बात का विरोध करते हुए एक्स्ट्रा चार्ज देने से मना कर दिया था। बस यहीं से बात बिगड़ती चली गई। ब्रजेश के दोस्तों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब ये लोग रेस्टोरेंट को मनमाना पैसा देने से मना कर देते हैं तो मैनेजर तथा रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ इन लोगों के साथ काफी गलत व्यवहार करते हैं। बाद में बरामद की गई CCTV फुटेज के मुताबिक ब्रजेश और उसके दोस्त तथा होटल के स्टाफ अब बहस करते हुए मॉल की गैलरी तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ इस मॉल के बाउंसर भी मिल जाते हैं तथा ब्रजेश और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर दिखता है कि जब मॉल के बाउंसर और दूसरे स्टाफ इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं
तो ब्रजेश अपना मोबाइल निकालता है और इन लोगों की हरकतों को मोबाइल के कैमरे में कैद करना शुरू कर देता है। बस यहीं से कहानी में दूसरा खतरनाक मोड़ आ जाता है। ब्रजेश के मोबाइल निकालते ही रेस्टोरेंट लॉस्ट लेमन के स्टाफ और मैनेजर के अलावा गार्डन गैलरिया मॉल के बाउंसर भी एक साथ ब्रजेश पर टूट पड़ते हैं। ब्रजेश अपने अस्तर से बचने की कोशिश करते हैं, मगर एक साथ इतने लोगों के हमले की वजह से ब्रजेश लाचार हो जाते हैं। कमाल की बात तो ये थी, या ये कहें कि सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि जब ब्रजेश को रेस्टोरेंट तथा मॉल के स्टाफ मिलकर पीट रहे थे, उसी समय ब्रजेश के बाकी दोस्त ब्रजेश को यूं ही छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। काफी देर तक ब्रजेश की खोज खबर लेने कोई नहीं आता है। हालांकि कुछ देर बाद यानी 11:40 के आसपास कुछ दोस्त मॉल में आते हैं, तो वो देखते हैं कि ब्रजेश फ्लोर पर बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है। ब्रजेश की ये हालत देखकर उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं, काफी आवाज भी देते हैं, मगर ब्रजेश किसी तरह की हरकत नहीं करता है। इसी के बाद ब्रजेश का एक दोस्त तुरंत पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है तथा ब्रजेश की हालत को देखते हुए उसे सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में लेकर आती है। हॉस्पिटल आते ही तुरंत ब्रजेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां तुरंत उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। मगर चंद ही मिनट के बाद यानी रात के 12 के आसपास अस्पताल के डॉक्टर ब्रजेश को मृत घोषित कर देते हैं। हॉस्पिटल द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ब्रजेश के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहां कुछ दोस्त ब्रजेश की मौत के सिलसिले में पुलिस में एक FIR दर्ज करवाते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ तथा बाउंसर पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ब्रजेश का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो शव को लेकर वापस बिहार आते हैं। यहीं ब्रजेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर पुलिस इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए लॉस्ट लेमन और मॉल के स्टाफ से पूछताछ शुरू कर देती है। साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाले जाते हैं। पहले तो लॉस्ट लेमन बार की ओर से कहा जाता है कि ये झगड़ा बार के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों की आपसी लड़ाई मॉल के बाहर हुई है, जिसमें यहाँ के स्टाफ नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल थे। हालांकि जब पुलिस अंदर के CCTV फुटेज को देखती है तो उसमें लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि ये फोटो काफी क्लियर नहीं था। बाद में पुलिस के हाथ मॉल के गैलरी के CCTV की फुटेज लगती है। इसे देखने के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और पूछताछ के बाद लॉस्ट लेमन बार के स्टाफ तथा बाउंसर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस ने हत्या के मामले में 9 लोगों की पहचान की थी, जिसमें 7 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस जिन 7 लोगों को गिरफ्तार करती है उसमें मॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जबकि 5 लॉस्ट लेमन के स्टाफ थे। गिरफ्तार लोगों में मैनेजर सुंदर सिंह रावत के अलावा कुबेर सिंह बंगारी, हिमांशु कुमार, देवेंद्र सिंह, मैडी ठाकुर, गुड्डू सिंह और कपिल उर्फ नाहर सिंह शामिल थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें भी कुछ ही दिनों बाद गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल सभी जेल में हैं। लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के स्टाफ को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस तत्काल ही रेस्टोरेंट को जाकर सील भी कर देती है, ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो सके। नोएडा पुलिस के मुताबिक किसी भी मॉल या दुकान को बाउंसर रखने की इजाजत नहीं है, जबकि इस मॉल में बाउंसर थे, इसलिए मॉल पर भी FIR दर्ज किया जाता है। कुछ दिनों बाद ब्रजेश राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि ब्रजेश की बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। इस मारपीट के दौरान उनके पेट तथा सर पर जोरदार वार हुआ था। पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से स्प्लीन टूट गई थी तथा सर पर गहरा चोट लगा, जो मौत की वजह बन गया। वैसे तो पुलिस की नजर में रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ ही ब्रजेश राय की मौत के जिम्मेदार थे, मगर ब्रजेश की पत्नी पूजा ब्रजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों पर भी गंभीर आरोप लगाती है। पूजा के मुताबिक ब्रजेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इस बात की जानकारी ब्रजेश के साथ मौजूद किसी भी दोस्त ने उन्हें नहीं दी। यहां तक कि लगातार वो ब्रजेश का खोज खबर लेने के लिए दोस्तों को फोन करती रही, मगर ज्यादातर दोस्तों ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। पूजा ब्रजेश के दोस्तों के खिलाफ ये भी बयान देती है कि ये बात यकीन के लायक ही नहीं है कि सिर्फ 7,400 के बिल के लिए लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी एक की मौत पर ही जाकर खत्म हो। पूजा के बयान के मुताबिक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे दोस्त छुपा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 लोगों के बीच केवल ब्रजेश को ही क्यों मारा गया? जब ये लड़ाई हो रही थी तो ब्रजेश के साथ मौजूद उसके दोस्त भाग क्यों गए? कोई साथ देने क्यों नहीं आया? पूजा की शिकायत के बाद पुलिस इस एंगल से भी लंबे समय तक जांच करती रही, मगर दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद ब्रजेश का मोबाइल पूजा को वापस किया जाता है, तो एक बार फिर से पूजा कुछ हैरान करने वाला खुलासा करती है। पूजा के मुताबिक CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था कि अंतिम पलों में ब्रजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन जब ब्रजेश का मोबाइल उन्हें वापस किया गया तो अंतिम पलों में ली गई तस्वीर ही मोबाइल से गायब थी। पूजा के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि मोबाइल को वापस करने से पहले उसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोबाइल से कई अहम चीजें गायब थी। कुल मिलाकर भले ही पुलिस इस हत्या की वजह बिल को लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों तथा ब्रजेश के बीच हुए झगड़े को मानती हो,
मगर ब्रजेश के परिवार वालों के मुताबिक ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों द्वारा काफी कुछ छुपाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि ब्रजेश की मौत के बाद जब पूजा अस्पताल में थी तो वो ब्रजेश के दोस्तों से तुरंत अस्पताल से निकलकर जाने के लिए कहते हुए सुनी जाती हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में वो ये भी कहते हुए सुनी जाती हैं कि तुम लोग मरते हुए दोस्त को छोड़कर भाग गए, तुम दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसे दोस्तों से होने से तो अच्छा है कि किसी का कोई दोस्त ही ना हो। फिलहाल ये मामला अदालत में है और अब तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है, बल्कि मामला अंडर ट्रायल है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार ब्रजेश की हत्या की क्या वजह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।